कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि खा कर देखो, फ़ोन करके देखो, करके देखो, पूछ कर देखो, बता कर देखो, बोल कर देखो। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस में बेशक हम बोलते हैं देखो, लेकिन यहाँ पर सच में देखने की बात नहीं होती। ये तो हिंदी का एक स्लैंग है। तो यहाँ पर वॉच या फिर सी, जिनका मतलब होता है देखना, इनका यूज़ नहीं किया जाता। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है चेक बाय प्लस आईएनजी वर्ब, जैसे कि खा कर देखो, चेक बाय ईटिंग, फ़ोन करके देखो, चेक बाय कॉलिंग अप। कॉल समवन अप का मतलब होता है फ़ोन करना। आप यहाँ पर कॉलिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेड है। पूछ कर देखो, चेक बाय आस्किंग, बोल कर देखो, चेक बाय स्पीकिंग, बता कर देखो, चेक बाय टेलिंग, खुटखुटा कर देखो, चेक बाय नोकिंग, बुला कर देखो, चेक बाय कॉलिंग, करके देखो, चेक बाय डूइंग, बैठ कर देखो कितना सॉफ्ट है ये, चेक बाय सिटिंग हाउ सॉफ्ट इट इज। इसके अलावा कई बार हम सच में ही देखने की बात भी करते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ आकर देखो, यहाँ मैं चाहता हूँ कि वो बंदा आए और सच में देखे, तो यहाँ पर हम सी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं जिसका मतलब होता है देखना। तो इसको हम बोलेंगे कम एंड सी, मतलब आकर देखो, जाकर देखो, गो एंड सी। मतलब अगर आप सच में देखने की बात कर रहे हैं तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे, और अगर आप स्लैंग वाला देखना बोल रहे हैं तो आप उस वाले रूल को फॉलो करेंगे। दोनों ही सही हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों का ही यूज़ होता है। एक ही सेंटेंस में हम दोनों का यूज़ भी कर सकते हैं। तुम बहुत झगड़ालू हो, उसकी बीवी बहुत झगड़ालू है, मैं तुम्हारी तरह झगड़ालू नहीं हूँ। झगड़े को इंग्लिश में बोला जाता है क्वारल, और झगड़ालू को इंग्लिश में बोला जाता है क्वारलसम। ये एक एडजेक्टिव है, तो इसको यूज़ करने का कोई फिक्स रूल तो नहीं है, क्योंकि इसको कई तरह से यूज़ किया जाता है। लेकिन डोंट वरी, जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुम बहुत झगड़ालू हो, यू आर वेरी क्वारलसम, यू आर वेरी क्वारलसम। उसकी बीवी बहुत झगड़ालू है, हिज वाइफ इज़ वेरी क्वारलसम, His wife is very quarrelsome. मुझे झगड़ालू लोग पसंद नहीं हैं। I don't like quarrelsome people. I don't like quarrelsome people. वो झगड़ालू नहीं है। He is not quarrelsome. He is not quarrelsome. मैं तुम्हारी तरह झगड़ालू नहीं हूँ। I am not quarrelsome like you. या फिर I am not as quarrelsome as you are. इतने झगड़ालू मत बनो। Don't be so quarrelsome. Don't be so quarrelsome. तुम बहुत झगड़ालू हो गए हो अब। You have become very quarrelsome now. You have become very quarrelsome now. So guys, one sentence to all of you. पी कर देखो। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।